स्टेप, जो पॉसिबल स्टेप्स हो सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसको फिक्स करने के बाद में आपका गेम तुरंत ही लैग आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, बट वो स्टेप बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूँ एक और स्पेशल वीडियो के अंदर, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जो लैग फिक्स करना चाहते हैं अपने GTA Vice City के अंदर। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर GTA Vice City का पूरा गेम आपको प्रोवाइड किया था, आप कैसे उस गेम को नेटफ्लिक्स के बिना खेल सकते हो, बट ये वाली वीडियो होने वाली है जो लोग उस गेम को डाउनलोड करने के बाद में, खेलने के बाद में लैग को जो है महसूस कर रहे हैं और काफ़ी लैग उनके गेम में उनको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये उन लोगों के लिए ही होने वाली है। ऑल दो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने उस वीडियो में बताई थी, जितने भी ये GTA ट्रायलॉजी के गेम्स हैं नेटफ्लिक्स के सारे, ये सारे रिक्वायर्ड करते हैं हाई एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके फ़ोन में अच्छा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, आपके फ़ोन में अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। अब काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे फ़ोन में 8GB रैम है, उसके बाद भी मेरा गेम लैग कर रहा है। तो गाइज, रैम डजंट मैटर, जो यहाँ पे मैटर करता है वो है आपका प्रोसेसर। जी हाँ, आपका प्रोसेसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपके फ़ोन में आपको अलाउ करता है हाई एंड एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। जो भी बहुत ज़्यादा लोड डालती है आपके सिस्टम में, उन एप्लीकेशन को जो आपका प्रोसेसर है वो हेल्पफुल रहता है चलाने में। इस वीडियो में मैं आपको 3-स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिस 3-स्टेप सॉल्यूशन से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इन 3 स्टेप जो पॉसिबल स्टेप्स हो सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है गेम सेटिंग्स, यानी कि कुछ गेम सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ जिसको फिक्स करने के बाद में आपका गेम तुरंत ही लैग आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। और दूसरी आपके फ़ोन की सेटिंग्स रहेगी, जो कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ सेटिंग्स को आपको करके पॉसिबल जो सेटिंग्स हो सकती है वो सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद में आपको थोड़ी बहुत अपने गेम के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना मिल जाएंगे। और जो 3रा स्टेप होगा वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, यानी कि आपके फ़ोन को पूरा का पूरा चेंज कर देगा 3rd स्टेप, और आपके फ़ोन में बिल्कुल परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, बट वो स्टेप बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि कमेंट करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और इसलिए वीडियो वायरल जाता है, वीडियो काफ़ी लोगों तक जाता है। तो आई होप कि आप कमेंट करोगे नीचे और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गो ऑन टू द ट्यूटोरियल। फर्स्ट स्टेप होने वाला है गाइस हमारा यहाँ पे इन गेम सेटिंग्स, और इन गेम सेटिंग्स में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे एंड ग्राफिक्स में जाने के बाद में हमारे जो ग्राफिक्स की सेटिंग्स है इन्हें हम यहाँ पे पूरा का पूरा फिक्स करेंगे। अब सिमिलरली मैंने GTA San Andreas के अंदर भी ग्राफिक्स सेटिंग्स के बारे में बताया था, जो कि बहुत बेसिक चीज़ थी, बट इस वीडियो में जो लोग Vice City के यूजर्स हैं उनको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये है कि आपका जो रेजोल्यूशन है ये वाला, इसको जब आप पूरा फुल कर देते हो आपकी गेम की क्लियरिटी बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम आपके फोन में गेम लैग करने लग जाता है। नॉट अमेजिंग थिंग, क्योंकि वहां पे अगर आपका गेम लैग करेगा आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो यहाँ पे आप अपने रेजोल्यूशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपका गेम लैग नहीं कर रहा हो वहाँ पे आप अपने रेजोल्यूशन को जो है फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसे डिफरेंट सेटिंग्स है जो कि है ब्लूम एंड लेंस फायर, क्लासिक लाइटिंग, ये सारे ऑप्शंस को डिसेबल करिए, क्योंकि ये यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, अपने फ़ोन के प्रोसेसर्स की पावर को कंज्यूम करेंगे और उससे वजह से आपका गेम लैग करेगा। फॉर दैट यू हैव टू डिसेबल बोथ देम, और उसके बाद में ब्राइटनेस एंड कॉन्स्ट्रेट, इट इज़ एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। कॉन्स्ट्रेट और ब्राइटनेस ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाने वाले हैं, बट स्टिल यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, और जैसा आपको लगता है वैसे आप इसको चेंजेस कर सकते हो। दैट्स इट अबाउट द इन गेम सेटिंग्स। सेकेंड स्टेप में मैं ले जा रहा हूँ, और वो होने वाली है आपकी फ़ोन सेटिंग्स, फ़ोन बेसिक फ़ोन सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बेसिक टू एंड होने वाली है। सो लेट्स गो फॉर दैम। तो सबसे पहले आपको अपने जो लाइव वॉलपेपर्स होते हैं उनको वहाँ पे आपको इग्नोर करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब वॉलपेपर्स क्या करते हैं कि हमारे फ़ोन के CPU पे बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, और यह उन्हें बहुत ज़्यादा। सेकेंड चीज़ है गाइस, आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोरेज को क्लीन करके रखिए, यानी कि आपका फ़ोन का स्टोरेज पूरा फुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन के अंदर अगर पूरा स्टोरेज है तो आपका फ़ोन कहीं ना कहीं लैग करेगा, और वो चीज़ आपको
बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है कि आपको अपना फ़ोन का स्टोरेज फुल नहीं रखना है। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में 6 GB स्टोरेज अभी खाली है, यानी कि 94% GB जो है मेरे, मतलब 94% जो जगह है वो ऑलरेडी यहाँ पर घेर चुका है मेरा फ़ोन। तो इतना स्पेस अभी मेरे पास ऑलरेडी 6 GB है, तो मुझे और स्पेस क्लियर करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट अपने फ़ोन के अंदर 60-70% ऑफ जो डेटा है वो रख सकते हो आप योर स्टोरेज। तो जो पॉसिबल चीज़ें आप डिलीट कर सकते हो आप करिए, क्योंकि आपका फ़ोन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसे पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड चीज़ इज़ कि आप अपने फ़ोन के अंदर अनयूज्ड एप्लीकेशन को डिलीट कीजिए, जैसे कि ये एप्लीकेशन मेरे किसी काम के नहीं है, मैं क्या करूँगा इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंपली जो है डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस एप्लीकेशन को ऐसे तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देता हूँ, और जो भी आपके काम के एप्लीकेशन नहीं है उनको आप डिलीट करके यहाँ से अपने फ़ोन से रवाना कर दीजिए, गेट आउट कर दीजिए उन्हें, बिकॉज इससे आपके फ़ोन में स्टोरेज भी क्लियर होगा और साथ में ये एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट चलाती है वो भी आपकी फ्री हो जाएगी। दैट वुड बी अमेजिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ रहेगी डेवलपर ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर ऑप्शंस, और डेवलपर ऑप्शंस को यहाँ पे आप जैसे ओपन करोगे ना गाइस, हमें डेवलपर ऑप्शन के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स करनी है अभी, तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो जैसे कि आप देख सकते हो मेमोरी का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मेरे फ़ोन के अंदर। इससे यहाँ पे मैं अपनी रैम है यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब आप लोगों के फ़ोन में मे बी ऑप्शन ना हो, बट जिन लोगों के होता है वो अपने रैम जो है आप एक्सटेंड कर लीजिए गाइस, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में जो रैम है बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू ली जा रही है, तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना मैटर नहीं करेगा, हाँ ये मैसिव इंप्रूवमेंट दे सकता है अगर आप अपनी रैम को एक्सटेंड कर देते हो तो। अब हमें यहाँ पे एक और सेटिंग को जो है अनेबल करना है, जो कि रहेगी आप ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, इस पे जाएंगे एंड इस पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी GTA की एप्लीकेशन को चूज़ करना है। तो मैं GTA Vice City आप देख सकते हो इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे सिलेक्ट कर दूंगा। इससे ये पूरा का पूरा GPU को लेना स्टार्ट कर देगा। GTA San Andreas को भी मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो गेम है वो अभी पूरा का पूरा CPU जो है इस गेम का लेने वाला है, पूरा का पूरा GPU जो है गेम लेने वाला है। दैट इज़ द अमेजिंग थिंग कि आपके फ़ोन के अंदर फुल यूटिलाइजेशन होने वाला है ऑफ योर प्रोसेसर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिख जाएगा Force 4X MSSA, और ये आपको अनेबल कर देना है। इससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव होगी गाइस, ज़रूर होगी, आपको इतना नोटिसेबल चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट एक्चुअली में ये थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा, तो इसको अनेबल कर दीजिएगा। ये सेटिंग्स करने के बाद में यू आर एक्चुअली गुड टू गो, आपने अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी सेटिंग्स करनी थी वो यहाँ पे आपने कर ली है। और अब मैं एक फाइनल स्टेप में आ रहा हूँ, जो स्टेप करने के बाद में आपके फ़ोन में मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाएगा, यानी कि पूरा मैसिव इंप्रूवमेंट, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। चलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब गाइस जो लास्ट स्टेप है वो होने वाला है आपका इंस्टॉलिंग कस्टम रोम। अब ये वाला जो पूरा का पूरा फंडा है कस्टम रोम का, ये एक्चुअली ये है कि आपके फ़ोन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल देता है और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देता है आपके फ़ोन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, फॉर एग्जांपल योर गूगल, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट होती है, या अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो MI की तरफ से बहुत एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड आती है, प्री एप्लीकेशन जो होती है वो सारे एप्लीकेशन को हटा करके एक क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड करता है और आपके फ़ोन को पूरा स्पीडअप कर देता है। इतना ही नहीं, आपके फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस भी वो इंप्रूव कर देता है, क्योंकि सारे के सारे जो पुरानी एप्लीकेशंस होती है वो डिलीट कर देता है। अब इसमें रिस्क ऐसा है कि आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ता है, और किस किस केसेस में कुछ कुछ रोम में रूट रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट मैक्सिमम केसेस में अगर आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हो जिसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है, वो कस्टम रोम ऑफकोर्स ऑलवेज आपका रूट रिक्वायर्ड करता है। तो उस सिचुएशन में आपके अपने
फोन को क्रिटिकली बहुत सेफली आप जो है अच्छे ऑथराइज सोर्स से आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ता है, कस्टम रोम डालना पड़ता है। अब ये चीज़ आप अपने खुद के पीसी से कर सकते हो, और चाहो तो आप अपनी किसी लोकल शॉप जाकर के वहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो। तो इसमें रिस्क कुछ ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं कि आपका फ़ोन पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है, ब्रोक हो सकता है, ऐसी बहुत चीज़ें होती है वैसे, बट मैक्सिमम केसेस में आपका फ़ोन रिपेयर भी हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत रिस्की होता है। बट अगर आप ये चीज़ सक्सेसफुली कर लेते हो, आपका फ़ोन में पूरा मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाता है। ये चीज़ आप जाकर के कंसल्ट कर सकते हो अपने कोई लोकल शॉप में, या फिर आप अपने YouTube पे बहुत वीडियोस है इससे रिलेटेड, आप वो जाके भी देख सकते हो और वहाँ से भी अपना फ़ोन को रूट कर सकते हो। अगर मैं आपको अपने पर्सनली बताऊँ तो मेरे पास ये Redmi Note 7 Pro है जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इसमें Google का Pixels ROM डाला हुआ है जो कि मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, और स्पीड मेरी फ़ोन की बढ़ चुकी है इससे। मैं अपने फ़ोन को पहले MI के साथ यूज़ करता था, बट बहुत ज़्यादा लैग करने के बाद में एप्लीकेशंस भी ढंग से ओपन ना होने के कारण आई चेंज्ड माई कस्टम रोम टू Google Pixel, एंड जब मैंने शिफ्ट किया तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। और इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक जो है आप कस्टम रोम को इंस्टॉल करिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, और अगर हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम और क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो वहाँ पे मुझे बता सकते हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव रिप्लाई गाइज। तो यही था आज के लिए, और भी वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ पे चैनल पे जा करके और भी वीडियोज़ देख सकते हो रिलेटेड टू GTAs, और हमेशा GTA की वीडियोज़ आती रहती है चैनल पे। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दैट वीडियोज़, एंड आई एम Chinesh Soni साइनिंग आउट।